राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत के प्राचीन वैज्ञानिक और महान खगोल शास्त्री आचार्य आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में अनेक महान वैज्ञानिक और चिंतक हुए जिन्होंने ज्ञान के नए सूत्रों की रचना की, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों से पर्दा उठाया। सन 476 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट भी ऐसे ही एक स्वतंत्र चिंतक, प्रखर वैज्ञानिक एवं मेधावी गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है और सूर्य स्थिर है। इसी बात को उनके लगभग 1000 वर्ष बाद महान वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने भी कहा था। आर्यभट्ट बचपन से ही मेधावी थे। वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन उनके सहपाठी देवस्वामी ने कहा, आर्यभट्ट, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। गणित का जो प्रश्न पूरे गुरुकुल का कोई भी छात्र हल नहीं कर पाया, वह तुमने चुटकी बजाते ही हल कर दिया। हाँ देवस्वामी, गणित तो मेरा प्रिय विषय है। दिन भर मैं गणित के प्रश्नों में ही खोया रहता हूँ और रात में क्या आर्यभट्ट, और रात में जब भी कभी आकाश निर्मल होता है तो मानो आकाश में चमकते विभिन्न आकार प्रकार के नक्षत्र मुझे आमंत्रित करते हैं। मैं घंटों उनकी स्थिति, गति और अन्य परिवर्तनों का अध्ययन करता हूँ। एक बार क्या आर्यभट्ट? एक बार तो मैं रात के तीसरे प्रहर तक आकाश का ही निरीक्षण करता रहा। अच्छा देव स्वामी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों, नक्षत्रों आदि के संबंध में जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने कहा है, आज उसके प्रायोगिक अध्ययन तथा प्रमाण सहित पुष्टि करने की आवश्यकता है? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो आर्यभट्ट, और मुझे तो लगता है कि गणित और खगोल के क्षेत्र में तुम्हारी जिज्ञासा, उत्सुकता और मेधा एक दिन तुम्हें अवश्य ही विश्व का महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री बना देगी। तुम बहुत अच्छा परिहास कर लेते हो मित्र। नहीं, ये परिहास नहीं, मेरी भविष्यवाणी है। अच्छा ये बताओ कि आज तुम गुरुजी से क्या अनुमति लेने गए थे? देव स्वामी, मैंने गुरुजी से अपनी जिज्ञासाओं के समाधान तथा ज्ञानार्जन और उसके विस्तार के लिए पाटलिपुत्र जाने की अनुमति ले ली है। अच्छा, वही पाटलिपुत्र जो आज शिक्षा एवं ज्ञान का केंद्र है तथा ज्योतिष के अध्ययन के लिए तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हाँ देव स्वामी, वही पाटलिपुत्र जिसे कुसुमपुर भी कहते हैं। नंदों और मौर्यों के बाद अब जो गुप्त साम्राज्य की राजधानी है, देश ही नहीं अपितु विदेशों के भी अनेक विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं। मित्र, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए और अपने नवीन शोध और उपलब्धियों से अपने जन्म स्थल का नाम ऊंचा करना चाहिए। किंतु वहाँ जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे? ये भला कैसे हो सकता है मित्र, किंतु मुझे जाना तो होगा ही। ठीक कहते हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हाँ
वर्ष बीत गए। बालक आर्यभट्ट ने युवा अवस्था में ही गणित, ज्योतिष तथा ब्रह्मांड के संबंध में अपने नए ज्ञान से हलचल मचा दी। एक दिन वे राजा से मिलने गए। महाराज की जय हो। आचार्य आर्यभट्ट प्रवेश की अनुमति चाहते हैं। हाँ, आचार्य आर्यभट्ट, उन्हें पूरे सम्मान के साथ शीघ्र अंदर ले आओ। जी महाराज। सेवक। जी महाराज। मेरे मित्र आर्यभट्ट के लिए जलपान और रहने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। आर्यभट्ट प्रणाम करता है महाराज। अरे आओ आओ आर्यभट्ट। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में था महाराज। बैठो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। जी अच्छा। कहो किस उद्देश्य से इधर आना हुआ? अरे मुझे कहा होता तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आता। महाराज मैंने शोध से कुछ नितांत नवीन निष्कर्ष निकाले हैं। उन्हें आपको बताने की इच्छा ही मुझे इस समय यहाँ खींच लाई है। हाँ हाँ आर्यभट्ट कहो। जी महाराज। कि तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी वेदशाला में वे सब यंत्र तथा उपकरण पहुँच गए थे ना जो तुमने मंगवाए थे? जी महाराज वो सब पहुँच गए थे। आपके द्वारा भेजे गए यंत्रों और उपकरणों की सहायता से ही मैंने गत महीनों में आकाश में स्थित कई ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य ज्योतिर्पिंडों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। अच्छा। और महाराज मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी गोल है। क्या? और वो अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है? जी महाराज। किंतु आर्यभट्ट फिर हमें सूर्य तथा आकाश के तारे चक्कर लगाते क्यों दिखाई देते हैं? वो महाराज। और फिर पृथ्वी के चक्कर लगाने का पता हमें क्यों नहीं चलता? ये मैं आपको समझाता हूँ महाराज। समझ लीजिए महाराज कि नदी में एक नाव है और वो धारा के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तब उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। हाँ, करता तो है। फिर महाराज उसी तरह आकाश के तारों की बात है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसके साथ हम भी घूमते हैं। इसलिए आकाश में स्थित तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। बात कुछ समझ में तो आती है। और महाराज वस्तुतः तारामंडल स्थिर है और हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इतना ही नहीं महाराज, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अच्छा। और महाराज जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर उसे ढक लेता है ना, तब सूर्य ग्रहण होता है। अच्छा। इसी प्रकार पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और तब चंद्र ग्रहण होता है। जी महाराज, तब चंद्र ग्रहण होता है। अद्भुत अद्भुत आर्यभट्ट, अद्भुत। इतनी युवावस्था में ऐसी विलक्षण खोज। महाराज किंतु तुम्हारे ये निष्कर्ष हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी बातों से मेल नहीं खाते। हमारा उनमें तो लिखा है कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल लेता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। इसलिए लोग तुम्हारी बातों पर सहज ही विश्वास नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। स्वयं मेरे साथी और शिष्य भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, किंतु भविष्य में उन्हें विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि यही सत्य है महाराज। अवश्य अवश्य आचार्य आर्यभट्ट,
हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारा ये शोध कार्य मानव जाति के इतिहास में क्रांतिकारी सिद्ध होगा। जी आचार्य, अपने नवीन निष्कर्षों तथा शोधों से हमें समय समय पर अवगत कराते रहना। अवश्य महाराज, अवश्य। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है आचार्य आर्यभट्ट, अभी आप कुछ देर विश्राम करें, संध्या काल फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अवश्य महाराज, प्रणाम। आर्यभट्ट अपने अनुसंधान में लगे रहे। वे न किसी का अंधानुकरण करते थे, न किसी को अंधानुकरण करने के लिए कहते थे। उन्होंने प्रत्येक सिद्धांत को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अपने मत पर अश्म अर्थात चट्टान की तरह अडिग रहने और अश्मक नामक जनपद में पैदा होने के कारण लोग उन्हें आश्मकाचार्य भी कहते थे। जब वे केवल 23 वर्ष के थे तो उन्होंने गागर में सागर भरती एक अद्भुत पुस्तक लिखी। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे। क्यों भाई, क्या चर्चा हो रही है? गुरुजी, हाँ मानवर्धन पूछो। हमें ज्ञात हुआ है कि आप एक पुस्तक की रचना कर रहे हैं जो संभवतः पूर्ण होने वाली है। हम उसके संबंध में जानने को उत्सुक हैं। हाँ हाँ आचार्य प्रवर, हमें बताइए। बताता हूँ बताता हूँ, पहले सब लोग बैठ जाइए। जी भाई, तुम्हारा इतना ही आग्रह है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, गणित और ज्योतिष से संबंधित इस पुस्तक का नाम मैंने बहुत सोच समझकर आर्यभट्टीय रखा है। संस्कृत पद्य में लिखी ये पुस्तक मैंने 4 भागों में विभक्त की है और वो 4 भाग हैं दशगीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। अच्छा, दशगीतिका, गणित, कालक्रिया और गोल। बिल्कुल सत्य कहा। और इस पुस्तक में कुल 121 श्लोक हैं। अच्छा, प्रत्येक श्लोक 2 पंक्ति का है, अर्थात पूरे ग्रंथ में मात्र 242 पंक्तियां हैं। बिल्कुल सत्य कहा वत्स। इस पुस्तक में अब तक का उपलब्ध ज्ञान तो है ही, मेरी नई खोजें भी हैं। इस ग्रंथ को अश्मक तंत्र भी कह सकते हैं। गुरुजी, इसमें गणित के कौन से प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है? वत्स रामाश्रय, इस पुस्तक के दूसरे भाग गणित में कुल 33 श्लोक हैं, जिनमें त्रिकोणमिति और समीकरणों के अतिरिक्त वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, त्रिराशिक, श्रेणियां, क्षेत्रफलों, घनफलों आदि से संबंधित नियम प्रस्तुत किए गए हैं। वाह आचार्य प्रवर, ये सचमुच विलक्षण है। गुरुजी, एक जिज्ञासा और है। हाँ हाँ मानवर्धन, विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा प्रकट करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। गुरुजी, 100 वर्ष कितने दिन का होता है? वत्स, मेरी गणना के अनुसार 100 वर्ष 365.3586 दिन का होता है। इतनी सूक्ष्म गणना, अद्भुत। गुरुजी, हाँ वत्स, मेरी एक और समस्या का भी निदान करें। हाँ हाँ पूछो रामाश्रय। गुरुजी, मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, परंतु वृत्त और परिधि के अनुपात के सही मान की गणना नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ गुरुजी, मुझे भी इसमें कठिनाई होती है। सचमुच ये एक जटिल समस्या है। वत्स, मैंने अपने लंबे चिंतन के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है वो तुम्हें बताता हूँ। बताइए आचार्य। सुनो वत्स, पाई का सही मान है 3.1416। 3.1416? हाँ, इसे हम
आसन्न मान भी कह सकते हैं। अच्छा गुरुजी, आप सचमुच महान हैं। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो वत्स, यशस्वी भव। अपनी प्रतिभा और ज्ञान के कारण आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। 74 वर्ष की अवस्था में सन 550 ईस्वी में आर्यभट्ट का देहांत हुआ। प्राचीन काल के इस महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए भारत ने 19 अप्रैल सन 1975 को अंतरिक्ष में छोड़े अपने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। और फिर भारत के डाक विभाग ने उन पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। ऐसे महान विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, चिंतकों तथा दार्शनिकों के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाया। आचार्य आर्यभट्ट। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर रवि शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, विद्याभूषण प्रवीण शर्मा, के चंदन, दीपांश, देवांश और नमन, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।